सोहे वर्धक मर्ज यार, कैसे आप सब लोग? कुके सभी बड़े होंगे एंड आगे बढ़े रहे हैं। सो आ चुके हैं एक नई एंड एक मजेदार एंड कैसे बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सर आज की ये वाली वीडियो अति से भी अति गई सर इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो कैसे आज की वाली वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे देखने के बाद या फिर सुनने के बाद आपकी आईडी एज अ प्रोफेशनल लुक देने लगेगी एंड कैसे आपको जो कलेक्शन है वो गई सर 10x हो जाएगा जितना अब है। अभी मजा आएगा ना वीडियो, क्योंकि सर क्या है ना, हर बंदे का एक मतलब ड्रीम्स होता है कि उसकी आईडी में इतने सारे बंडल्स हो कि मतलब उसकी आईडी स्क्रॉल करते करते बंदा थक जाए एंड गाइस यहां तक कि वो अपने बंडल्स चूज करते करते भी थक जाए कि वो आखिर कौन सा बंडल वेयर करके जाए। ऐसा तो यार हर बंदे का ड्रीम होता है, बट गाइस इसे सिर्फ वही पूरा कर पाता है जिसके पास डायमंड होते हैं एंड डायमंड इज इक्वल्स टू पैसा। क्योंकि हर बंदे को यही लगता है कि फ्री फायर बस पैसे का गेम है, जिसके पास पैसा है वो गाइस फ्री फायर के अच्छी अच्छी चीजें ले सकता है एंड जिसके पास नहीं है वो नहीं ले सकता। क्योंकि सर आज की इस वाली वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें गाइस आप बिल्कुल ना के बराबर खर्चा करें यानी कि आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे उसके बिना ही गाइस आप अपनी आईडी को बहुत ही ज्यादा मजेदार बना सकते हो एंड गाइस एकदम प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो गाइस इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपकी जो आईडी है उसकी जो वॉल्ट है ना वो गाइस एकदम बढ़ जाने वाली है बंडल से, क्रेटो से, कंक्रीट से, ऐसी ऐसी काफी ही ज्यादा मजेदार चीजों से, जिसको देखने के बाद आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ गाइस अगर आप अपनी आईडी किसी भी बंदे को बेचोगे तो गाइस वो आराम से आपकी आईडी 10,000 से 15,000 के बीच में ले लेगा, जबकि गाइस आपने इतना खर्चा भी अपनी आईडी पे नहीं करा होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जो भी अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं करो लाइक कर दो एंड उसके नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा उसे प्रेस करके सिल्वर कलर का करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर दो, ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए वो भी सबसे पहले। तो चलो गाइस यार बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इधर बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। तो फर्स्ट टिप तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ना ही आपको इसमें डायमंड्स लगाने हैं ना ही गाइस आपको इसमें पैसे लगाने हैं। बस गाइस एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी गाइस जो भी फ्री का इवेंट है वो आपको हमेशा क्लेम करना है, मतलब जो भी मतलब फ्री फायर में इवेंट्स आते रहते हैं वो गाइस आपको एक इवेंट लेना है, मतलब डायमंड्स वाले नहीं, फ्री फंड के जितने भी होते हैं लॉग रिवॉर्ड्स सब ये आपको लेना है यार, ये आपकी आईडी में बहुत ही सारी चीजें ला सकते हैं गाइस। इससे आपकी जो आईडी होती है वो थोड़ी भरी भरी लगने लगती है क्योंकि गाइस उसमें काफी सारे सामान आ जाते हैं एंड गाइस हो सकता है कि ये जितने भी आए हुए इवेंट होते हैं ना फ्री के ये सारे रेयर हो सकते हैं क्योंकि गाइस एक टाइम के बाद जो होता है ना इनका भी रेयरता बढ़ जाती है क्योंकि यार ये वापस तो आते हैं नहीं एंड अगर कोई बंदा इसे लेता नहीं है ये सोच करके कि ये फ्री फंड के हैं तो ये एक दो आईडी इसमें देखने के लिए मिलते हैं एंड गाइस फ्री रेयर बन जाते हैं। तो गाइस कभी भी कोई सा भी मतलब आप कलेक्शन अपने कोई भी आपका इवेंट आए उसे आपको नहीं छोड़ना। तो अब बात करते हैं अपनी टिप नंबर 2 की। यार टिप नंबर 2 भी बहुत ही ज्यादा आसान है, तो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। अगर गाइस आप कोई चीज बाय भी कर रहे हो या फिर गाइस आप कोई चीज स्टोर से ले रहे हो, आप अपने किसी भी इवेंट में से ले रहे हो, फ्री के इवेंट में से ले रहे हो, डायमंड्स वाले इवेंट में से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, तो गाइस कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कि गाइस आपकी आईडी में डायरेक्टली आ जाती हैं, लेकिन गाइस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आपके गन्स हो गए, बंडल्स हो गए, ये सब चीजें डायरेक्टली नहीं आती हैं, इनकी गाइस आपको आईडी में क्रेटे दी जाती हैं एंड फिर गाइस आप इनकी क्रेटे ओपन करके इन्हें अपनी आईडीज में ले सकते हो। तो मैं तो गाइस आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि यार कभी भी इन क्रेटों को ओपन मत करा करो। अब आप बोलोगे अरे क्रेट ओपन नहीं करेंगे तो पहनेंगे क्या, नंगे घूमेंगे क्या, रुको जरा सबर करो। तो जहां तक है मेरे कहने का मतलब आप समझे नहीं होगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी बंडल निकाला है, कोई भी इवेंट से कुछ भी लिया है तो गाइस आप उसे मतलब ओपन मत करो। अगर गाइस आप उसे डायमंड का ले रहे हो तो गाइस वो तो आपने तभी लिया होगा जब आपको वो चाहिए होगा, लेकिन गाइस अगर वो फ्री इवेंट में आया है तो गाइस आप उसे तब तक ओपन मत करो जब तक गाइस आपको उसकी मतलब इतनी नीड नहीं है। अगर गाइस उसे आपको खोल के बस अपनी आईडी में ही रखना है तो गाइस मत खोलो, मतलब मेरे सीधे कहने का यही मोटिव है। अगर गाइस आप कोई भी चीज डायमंड बाय करते हो तो गाइस वो आपकी होती है, मतलब आपको चाहिए होती है तभी गाइस आप डायमंड से बाय करते हो, बट गाइस अगर आप उसे डायमंड में बाय नहीं कर रहे हो कोई भी फ्री इवेंट पे निकला है एंड गाइस आपने जस्ट उसे अपना कलेक्शन बढ़ाने के लिए रखा है तो बस एक चीज ध्यान रखना, उसकी क्रेट ओपन मत करना अगर आपको उसकी उस वक्त नीड नहीं है। अगर आके जाके नीड हो तो अपनी क्रेट खोल लेना क्योंकि गाइस उससे जो आपका बंडल क्रेट वाला ऑप्शन होता है ना वो खुल जाता है एंड अगर वो खुल जाता है तो उसमें आइटम्स आते रहते हैं तो गाइस उससे आपका जो कलेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है एंड गाइस अगर आपके पास वही चीज 2 से 3 बार निकल जाए जैसे गाइस आप गोल्ड रॉयल में स्पिन करते हो, डायमंड रॉयल में स्पिन करते हो तो आपके कभी कभी तुक्का लग जाता है एंड एक ही चीज डबल टाइम निकल जाती है तो गाइस आपके पास दो दो क्रेट हो जाती है। तो कुछ बंदे क्या करते हैं ना वो गाइस उन क्रेटों को भी ओपन कर देते हैं, तो मैं तो ये सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपके पास 2 से 3 चीज हो चुकी है, एक ही जैसी सिमिलर चीज हो चुकी है, 2 से 3 क्रेट है उसकी, तो कभी भी ओपन मत करो, उसे ऐसी रहने दो, वो गाइस आपकी आईडी का कलेक्शन बढ़ाएंगी एंड गाइस बहुत ही ज्यादा सही भी लगेंगे क्योंकि उसके बदले में आपको मुश्किल से 10 से 15 FF टोकन ही मिलने वाले और कुछ नहीं मिलेगा। सो ये सेकंड ट्रिक है, लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रिक है क्योंकि यार यही
ही ट्रिक होती है जो कि कई सारे यूट्यूबर्स एंड बड़े बड़े कलेक्टर्स आईडी वाले बंदे जिनकी आईडी बहुत ही तगड़ी तगड़ी होती है वो भी यही ट्रिक को यूज करते हैं। ऐसे आपका आईडी का कलेक्शन होता है वो कैसे ट्वाइस डबल हो जाता है। सो अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड टिप की ओर। सो आपकी जो थर्ड टिप है वो कैसे आपकी थोड़ी थोड़ी पिछली वाली टिप से रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो कैसे जब आप फ्री फायर में लॉग इन करते हो आपको बहुत ही सारे लॉग इन अवार्ड देखने के लिए मिलते हैं एंड कैसे एक ही दिन में आपको तीन तीन क्रेटे देखने के लिए मिल जाती है। तो जहां तक है सबसे पहली क्रेट मिलती है आपके गेम एंटर करते ही आपके जो डेली लॉग इन रिवॉर्ड होते हैं जो कि आपको अपने आप ही देखने के लिए मिल जाते हैं आपको बस क्लेम करने होते हैं। एंड फिर कैसे आप उसके बाद उसे क्लेम करके जहां तक है उसकी क्रेट ओपन ही कर देते हो। एंड कैसे जो हमारा सेकंड है वो कैसे आपको गिल्ड में से देखने के लिए मिल जाता है एंड जो हमारा थर्ड रिकॉर्ड है वो कैसे आपको अपने स्टोर में से डेली रिकॉर्ड में देखने के लिए मिलता है। सो कैसे ये तीन क्रेट आपको अलग अलग देखने के लिए मिलती है वो भी एक ही दिन के अंदर। तो कैसे अगर आप इन्हें ओपन करने की बजाय इन्हें ऐसे सेव करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो जहां तक इन्हें ओपन करने के बाद भी आपको लोकल लोकल आइटम जिसको कभी आप यूज भी नहीं करोगे एंड जहां तक 7 से 8 दिन के लिए देखने के लिए मिलते हैं। सो इससे बढ़िया इन्हें प्रिजर्व करो एंड गेजर ये आपके जो क्रेट वाले सेक्शन है वहीं पे चले जाएंगे एंड जिससे आपका जो कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा एंड ये परमानेंटली वहां पे रहेंगे, इनका कोई टाइमिंग नहीं रहेगी। बट अगर आप इन्हें ओपन करोगे तो गेजर इसमें आपको 7 से 8 दिन वाले आइटम देखने के लिए मिलेंगे जो कि 7 से 8 दिन के बाद चले जाते हैं। तो कैसे बात कर लेते हैं अपने फोर्थ टिप की। तो कैसे फोर्थ टिप भी बहुत ही ज्यादा ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट गेजर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी गेजर आपको फ्री में कहीं से भी डायमंड या फिर वेपन रॉयल वाउचर्स मिलते हैं तो गेजर आप उन्हें यूज मत करो, जस्ट ऐसी रहने दो। अब आप बोलोगे यार तू तो सभी कुछ बचाने को कह रहा है, तो रुको जरा मैं बात तो सुन लो। सो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कैसे आपके टाइमलाइन वाउचर्स हैं तो कैसे आप उन्हें यूज कर सकते हो क्योंकि वो एट अ टाइम के बाद वो बेकार हो जाएंगे और फिर उनका प्रिजर्व करना भी कुछ काम का नहीं रहेगा। सो इधर आपको क्या करना है, उन्हें तो आपको यूज कर लेना है बट जो आपके परमानेंट वाले हैं उन्हें आपको बचा के रखना है। सो इससे क्या होने वाला है ना, आपका जो कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा कुछ डायमंड रॉयल वाउचर से। और फिर क्या होता है ना, जब कम डायमंड रॉयल वाउचर होते हैं तो बहुत ही ना के बराबर चांस होते हैं कि आपका डायमंड या फिर वेपन रॉयल में कुछ रेयर आइटम निकल जाए। बट वहीं पे कैसे अगर आपके पास 150 से 200 होंगे तो कैसे आपके पास चांस है कि 15 से 20 पिन में आपका आराम से निकल जाएगा रेयर आइटम। एंड गाइस अगर आपका कोई अच्छा सा डायमंड या वेपन रॉयल आ जाता है तो कैसे आप उसमें निकाल सकते हो। ऐसे फालतू में पैसे बहाना, आई मीन अपने वाउचर्स बहाना कोई सही बात नहीं है। तो जिसे भी ये वाला आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया ना, नीचे फटाक से जाके कमेंट में कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो कैसे बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ नंबर टिप की। यार ये भी बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यार एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर कैसे आपकी इतनी है, अगर आप ऐसा पोटेंशियल लगा सकते हो तो आपका अगर आईडी में कभी भी 30 रुपए का भी अगर एड्रॉप आ रहा है एंड अगर उसमें 300 डायमंड है तो उस एड्रॉप को कभी भी मत छोड़ो, वो बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा है, तो उसे एकदम से बाय कर लिया करो। अगर कहीं सर आपके 30 रुपए वाले एड्रॉप में 100 डायमंड है तो बाय मत करना, 300 डायमंड वाला हर एड्रॉप बाय करो अगर वो 30 या 20 या 10 रुपए इन सब के बीच में है, तो उससे आपका डायमंड कलेक्शन भी बढ़ेगा एंड फिर अगर आपके पास कभी भी कोई भी चीज लेनी है आपको डायमंड से तो आप ले सकते हो। सर बात कर लेते हैं लास्ट ट्रिक की जो कि #6। सर ये ट्रिक तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इधर आप अपनी #trick5 कंप्लीट नहीं करोगे। चैन गाइजर ये ट्रिक इतनी सही है कि इससे जो आपकी आईडी है उसका जो कलेक्शन है वो 10x हो जाने वाला है। अब मैं बताया था वो कैसे, अगर कहीं आपके आईडी में कोई भी इवेंट आ रहा है जिसमें कहीं आपको इलाइट पास देखने के लिए मिला है जैसे अपना मूकू का इवेंट, अपनी मिस्ट्री शॉप, लेवल अप पास या फिर अभी जो शॉपिंग स्प्री नाम से इवेंट आया था कुछ वैसा इवेंट, अगर आपको ऐसे इवेंट में इलाइट पास देखने के लिए मिल रहा है तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, उन सब इलाइट पास को बाय कर लेना है अगर इस टाइप के इवेंट फ्री फायर में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में इलाइट पास देखने के लिए मिल जाता है एंड गेजर एक इलाइट पास के अंदर कम से कम 50 से 60 आइटम होते हैं एंड गेजर दो तो रेयर आइटम होते हैं जो कि इलाइट पास के बंडल होते हैं एंड सबसे बेस्ट बात ये कभी भी बैक नहीं आते। सो गेजर ये आपको ध्यान रखना है, उससे गेजर आपको जो आईडी इन्फो है वो भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि गेजर उधर आपके गोल्डन गोल्डन बैच दिखाई देंगे। सो गेजर आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, होप कि आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मजेदार लगी होंगी एंड गेजर इन्फॉर्मेटिव भी लगी होंगी। तो गेजर अगर इनसे आपकी आईडी मजेदार बन जाती है एंड अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड नए हो चैनल पे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए वो भी सबसे पहले। सो मिलेंगे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।